उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से बड़ी लोगों की मुश्किलें। चमोली, उत्तरकाशी, जोशीमठ समेत कई क्षेत्रों में हिमपात। 7 जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। केदारनाथ और तुंगनाथ में जमकर हो रही है बर्फबारी। कपाट बंद होने के बाद भी भारी संख्या में तुंगनाथ पहुंच रहे हैं पर्यटक। भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ से नीचे लौटने लगे मजदूर। पुनर्निर्माण कार्य ठप। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में दिखा बर्फबारी का सुंदर नजारा। मुखबा धाम में बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। उपला टकनोर भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आए। पिथौरागढ़ में शीतलहर और बर्फबारी का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। निचले हिस्सों में बारिश को देखते हुए लोगों को ठंड से बचाने के इंतजाम किए गए। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा हर्षिल घाटी में जमकर हो रही बर्फबारी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में भी गिरी बर्फ। बर्फबारी का खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद। दिल्ली में ठंड के बीच सुबह कुछ इलाकों में हुई बारिश। बारिश के साथ ही राजधानी में ठंड और बढ़ गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में 9 जनवरी तक बारिश होने की संभावना जताई। अमरोहा में हल्की बारिश ने ठंड बढ़ाई। ठंड से बचने के लिए अलाव के सहारे लोग। आसमान में छाए बादल। सूर्यदेव के लोगों को नहीं हुए दर्शन। गाजियाबाद में भी मौसम ने करवट ली। सुबह सुबह हुई हल्की बारिश। बारिश के साथ ठंड के डबल अटैक से चिढ़े लोग। कहीं कहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग चलाई। प्रयागराज में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। इसका असर हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा। ट्रेन और फ्लाइट पर भी घने कोहरे के चलते पड़ा असर। श्रावस्ती में घने कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हुई। जिले में छाया रहा घना कोहरा। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। कोहरे और ठंड का डबल अटैक। नोएडा में दिखा रफ्तार का कहर। एमएटी यूनिवर्सिटी के पास स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर खड़ी कार में टकराई। तेज रफ्तार के चलते पलटी कार। कार में सवार थे 3 स्टूडेंट। एक गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों को आई मामूली चोट।